विलायत इन के सिरसा गेट चौक में सौंदर्यीकरण का कार्य बहुत जल्द किया जाएगा, जिसका निरीक्षण करने नगर निगम महापौर निर्मल कोसरे, नगर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर, निगम के अधिकारी और एमआईसी सदस्यों ने शनिवार को किया। नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे और आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने शनिवार को सिरसा गेट चौक का औचक निरीक्षण कर सौंदर्यीकरण करने का जायजा लिया। इस दौरान महापौर ने कहा कि यहां अक्सर जाम की स्थिति निर्मित होती है, दोनों छोरों के दुकान को हटाया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण कर हटाए गए दुकानदारों को दूसरी जगह व्यवस्थित करने की बातें भी उन्होंने कही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर जब 18 नवंबर को हमारे यहां भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में आए थे, उस समय हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा चौक के सौंदर्यीकरण की सौगात हमको दे के गई है। आप देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम दिलाने के लिए पार्थवी CIMT इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं, तो काफ़ी यहाँ जाम लग जाता है और काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। आप लोग पत्रकार साथियों के द्वारा भी लगातार कवरेज बना रहता है, उन समस्याओं को निदान के लिए ये सिरसा चौक जो है उनको सौंदर्यीकरण करने का प्लान किया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पर इंक्रोचमेंट हैं, जिन लोगों का भी इंक्रोचमेंट है, वो इंक्रोचमेंट तोड़ के रोड को बड़ा किया जाएगा। साथ ही साथ जो सिरसा गेट चौक के उस पार में जितने भी गुमटियां हैं, उन गुमटियों को व्यवस्थापित किया जाएगा। इस दौर में जिनकी भी बढ़ी हुई दुकानें होंगे या इंक्रोचमेंट होगा, उस सभी के दुकानों को तोड़ा जाएगा और उन सब इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। ये जितनी गुमटियां हैं कहाँ विस्थापित किया जाएगा? उन गुमटियों को व्यवस्थापन हम लोग ये जो अभी प्लान कर रहे हैं कि जो सिरसा जाने वाली जो रोड है, बीच में नहर और सामने जहाँ पर गाड़ियाँ पार्किंग होती है वहाँ के बीच स्थल को हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, और दोनों तरफ गुमटियाँ, जो गुमटियाँ वहाँ से हटेंगी उन गुमटियों को यहाँ पर दिया जाएगा। बहरहाल इस सौंदर्यीकरण का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।